हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AF टेक्निकल उस्ताद। आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि SBI ATM कार्ड का पिन हम कैसे जनरेट करते हैं। उसके लिए हमें ना क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारा नेट बैंकिंग होना चाहिए SBI में। और आपका अगर नेट बैंकिंग SBI में है तो उसके नेट बैंकिंग के ज़रिए हम जो है ऑनलाइन ही घर बैठे हुए SBI का ATM पिन जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है कि गूगल क्रोम को पे क्लिक करना है और SBI का जो है ये हमें डालना है SBI नेट बैंकिंग। SBI नेट बैंकिंग ऊपर आ रहा है, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद ऑनलाइन नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। आपका नेट बैंकिंग का यूज़र ID पासवर्ड आपको पता ही होगा, वो डालना है। उसके बाद वन टाइम OTP आता है और उसे डालना होता है, उसके बाद वो लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद दोस्तों सिंपली इस तरीके का पेज आएगा, मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। और ये लॉगिन होने के बाद ऐसा आपको दिखेगा, उसके बाद ये SBI लिखा हुआ लोगो बना हुआ, उसके नीचे में 3 डॉट आपको दिख रहा है, उस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो ये पेमेंट ट्रांसफ़र का ऑप्शन, बिल पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, ई-टैक्स ई सर्विस का ऑप्शन आ रहा होगा, वो दिख रहा होगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। ई सर्विस पे क्लिक करेंगे तो ATM सबसे फर्स्ट वाला ही आपको दिख जाएगा, ATM कार्ड सर्विस, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। ATM कार्ड सर्विस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे आपको ATM कार्ड का सर्विस दिख जाएगा। ATM कार्ड सर्विस, उस पर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ हमें मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करें, नेट थोड़ा स्लो दिख रहा है। ATM कार्ड ब्लॉक करने का ऑप्शन आ रहा है, ATM कार्ड का लिमिट का आ रहा है, ATM पिन जनरेट ये ऑप्शन आ रहा है थर्ड में, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है क्योंकि हमें ATM कार्ड का पिन जनरेट करना है। और फिर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको आ रहा है, दो ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा, यूजिंग वन टाइम पासवर्ड OTP और यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड। प्रोफाइल पासवर्ड के अकॉर्डिंग भी आप चेंज कर सकते हैं, वन टाइम OTP के ज़रिए भी आप कर सकते हैं पिन जनरेट। तो हम आपके नंबर पे जो आपका बैंक में लिंक होगा नंबर, उस पर OTP आ जाएगा, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद वन टाइम OTP आएगा आपका, ये देखिए मेरा ऊपर में आया है OTP, आपको यहाँ डालना है आपका जो भी OTP हो, ये OTP डालने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट के बटन पे क्लिक करके सबमिट हो जाएगा, उसके बाद ये ऑप्शन आ रहा है आपका कौन सा वाला कंफर्म करने का, ये अकाउंट नंबर कौन सा है आपका, ये हमारा ये वाला अकाउंट नंबर है, इस पर हम सिंपली कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब अगला ऑप्शन हमारा ATM कार्ड का आएगा, कौन से ATM कार्ड का आपको पिन जनरेट करना है। तो हमारा एक ही ATM कार्ड यहाँ दिख रहा है जिसका ऑलरेडी पिन जनरेट है। आपका पिन जनरेट नहीं होगा तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, जो सा ATM कार्ड होगा ये ऊपर में दिख रहा है आमिर फैजान के नाम से, इस पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, हमारे पास OTP आएगा, OTP हम डालेंगे और उसके बाद पिन जनरेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम ऑलरेडी पिन जनरेट कर चुके हैं इसलिए आगे का हम प्रोसेस आपको नहीं बता सकते। तो गाइस अब इस तरीके से इजीली जो है घर बैठे हुए पेटीएम बोल SBI का नेट बैंकिंग के थ्रू SBI ATM कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे लोगों तक पहुंचाएं। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो रेगुलर आपको कुछ ना कुछ नया अपडेट मिलता रहेगा।